नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच उग्र हो गया है और प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, 18वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार से एक ही मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा रही। किसानों ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी, वो भी बेनतीजा रही। किसानों का साफ कहना है कि सरकार अपने कानून वापस ले। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच, इस तरफ तस्वीरें आप देखिए। ये प्रदर्शन अब लगातार उग्र होता हुआ, हालांकि किसानों ने देश के लोगों से कहा कि वे किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये उनका मसला है, उनके हितों की लड़ाई है, इसलिए आंदोलन उनके लिए जरूरी है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच, देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ, किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी पहले से ही दे रखी है सरकार को। तो वहीं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर आज हालात कुछ अलग ही है। आपको बता दें कि चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने खोल दिया है, लेकिन नोएडा और दिल्ली पुलिस ने अभी ट्रैफिक नहीं खोला है। कल चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों में बनी सहमति के बाद बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ये चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा है कि चिल्ला बॉर्डर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन धरना लगातार यहां पर जारी है। किसानों के धरना प्रदर्शन को 18वां दिन मैं मौजूद हूं चिल्ला बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं चिल्ला बॉर्डर आज बदला बदला सा नजर आ रहा है। तमाम यहां पर परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अगर ये कहें कि ये यहां जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चलो दिल्ली, पहुंचो दिल्ली, भारत के सम्मान में किसान मैदान में, यहाँ कल जो बैठक हुई राजनाथ सिंह जी के पास और कृषि मंत्री जी के साथ जो बैठक हुई है, उसके बाद यहाँ का माहौल ही बदल गया। रात जो है चिल्ला की ये जो बैरिकेडिंग है, जहाँ से आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ जो निकल रही हैं, यहाँ इस बैरिकेडिंग को खोल दिया गया और किसानों को दर साइड जो है, अगर ये कहें कि एक तरफ ये चिल्ला की जो दिल्ली जाने वाली रोड है, जो नोएडा से दिल्ली जा रही है, उसको खोला गया रात में, और साथ ही जो है बराबर में जो दिल्ली से आने वाली रोड है वो खुली हुई है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश, वो सामने धरने पे यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। रामायण पाठ बराबर चल रहा है। ये इस बैरिकेडिंग के चारों तरफ, ये जो बैरिकेडिंग लगाई है, इसके बीच में जो है अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन रहेगा। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप जो है, उनके बीच और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं एक टकराव की, एक आमने सामने की स्थिति आ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से जब इस बैरिकेडिंग को खोला, इस बैरिकेडिंग को खोलने के लिए बेटे ने कहीं ना कहीं विरोध किया, आज बेटा भूख हड़ताल पर बैठ चुका है और पिता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ इस यूनियन के, वो यहाँ से नदारद हो चुके हैं। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। तो वहीं नोएडा में किसानों से बात करने पहुंची पुलिस और किसानों ने पुलिस को आश्वासन दिया कि रामायण खत्म होने के बाद ये रास्ता खाली कर देंगे। धरना स्थल पर अभी तक भानु प्रताप सिंह नहीं पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। नोएडा से बड़ी खबर, पुलिस के अधिकारी किसानों से बात करने के लिए यहां पर पहुंचे थे उनको उठाने के लिए, और किसानों ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि रामायण खत्म होने के बाद ये रास्ता खाली कर देंगे। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें, हालांकि बाकी जगहों पर किसान बड़ी तादाद में अभी भी जमे हुए हैं।